और जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियाँ सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज़ टू किल 10,000 ब्राह्मिन्स एवरी डे। 10,000, तो शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1,00,000। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिया, फिर मैंने कहा 10,00,000। तो बोले कि एक साल में वो 30,00,000 पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ, कहीं ना 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30,00,000, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? मैं अगली बार आऊंगा अपनी डायरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जब कोई बड़ी घटना घटती है ना, तो मैं उसे आज भी नोट कर लेता हूं। उस दिन जाके मैंने लिखा कि यार किसी की सुनी सुनाई बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम बाहर कहीं आओ, और ईरान से आए हो। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने कहा बेटा जाके पढ़ो। जब पढ़ो किताबों से, तब उस पर चर्चा करो, और खुद से सोचो भी। ही हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मराठा मनसबदार इन हिज आर्मी। सबसे ज्यादा मराठा मनसबदार थे उसके पास, औरंगजेब के पास, राजपूत भी। तुम ब्यूरोक्रेट हो, तुम उठपुटांग बातें नहीं कर सकते, तुम उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते।